न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के लिए दूसरे चरण में विकासखंड रीवा, रायपुर, करछुलियां तथा गगेव की विभिन्न ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्ण मतदान शुरू हो गया। वहीं दूसरे चरण के मतदान में 5,79,364 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान निर्धारित मतदान केंद्रों में प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। वहीं मतदान की समाप्ति के बाद मतदान केंद्र में ही मतगणना की जाएगी। दूसरे चरण में जिला पंचायत के 12 वार्डों, जनपद पंचायत के 75 वार्डों में सदस्य पदों के लिए मतदान होगा। विकासखंड रीवा में 92 ग्राम पंचायतों, रायपुर करछुलियान में 104 ग्राम पंचायत एवं गंगेव में 88 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों एवं पंच पदों के लिए मतदान कराया जा रहा है, जिसके लिए विकासखंड रीवा में 332, रायपुर करछुलियान में 329 और गंगेव में 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रीवा विकास खंड में 1,03,116 पुरुष मतदाता है, जबकि 95,987 महिला मतदाताएं एवं 2 अन्य श्रेणी के मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। वहीं रायपुर करछुलियान विकास खंड में करीब 1,03,297 पुरुष, 96,169 महिला और 3 अन्य मतदाता हैं। और इसी प्रकार से गंगे विकास खंड में 93,553 पुरुष, 87,232 महिला और 5 अन्य श्रेणी के मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। सभी मतदान केंद्रों में मतदान दल को सहयोग देने के लिए स्थानीय कर्मचारियों का दल बल तैनात किया गया है। निर्वाचन से जुड़ी हुई सूचनाएं संकलित करने के लिए तीनों विकास खंडों में कम्युनिकेशन सेंटर्स भी बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। एक साल तक चलते हुए आप यहाँ किस पोस्ट पे? यहाँ मैं पंचायत सेक्रेटरी पोस्ट पे हूँ। यहाँ पे कैसे मतदान? यहाँ मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। और कोई दिक्कत नहीं? यहाँ कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था भी सही है और पब्लिक भी सही ढंग से सहयोग कर रही है। अब वोटिंग सही हो रही है। और दूसरा पोलिंग है अपना, वो सरदार पटेल में 4 पोलिंग है, वहाँ भी सही ढंग से वोटिंग हो रही है, व्यवस्था भी सही है वहाँ पर।